हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ शर्मा, आपका एसएस सर, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। इनफैक्ट योर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स, ठीक है। चलिए, तो इस चैनल पे पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे सीवियर कोविड हो गया था। लगभग एक महीने तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में था। इनफैक्ट हालत बहुत ख़राब थी मेरी, है ना। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि बेटा, ये जो स्थितियाँ चल रही है इस समय, ठीक है, ये बहुत डेंजरस है। तो आप प्लीज़ घर पे ही रहिए, आप सेफ रहिए, आप वैक्सीनेटेड हो जाइए जितना जल्दी हो सके। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाह रहा था। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पहले भी मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, बट आज मैं इस टेलीग्राम चैनल को इसलिए इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं इसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट डालने वाला हूं इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एनसीईआरटी के नोट्स जो मैंने अपने हाथ से लिख के बनाए हैं, माई हैंड रिटन नोट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक, मेनली एसपीडीएफ ब्लॉक के, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्दी पोस्ट करने वाला हूं। साथ ही साथ एक नई चीज करने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, दैट इज पॉडकास्ट। आपने सुना तो होगा, पॉडकास्ट होता है स्टोरीज का, ऑडियो स्टोरीज होती है पॉडकास्ट की, वो सारी बातें। बट केमिस्ट्री के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके इस टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना। तो इस टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले 2-3 दिनों में ही मैं सीरीज ऑफ पॉडकास्ट इस टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूं जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। कुछ जेई के स्टूडेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये नीट का टेलीग्राम चैनल है तो हमारे लिए काम का नहीं है। नहीं, आपके लिए काम का है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही होते हैं, सिंपल सी बात है। जेई और नीट का जो पैटर्न है वो चाहे डिफरेंट हो, बट कॉन्टेंट जो होता है, एनसीईआरटी बुक जो होती है, वो कॉमन होता है, सही ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के यूट्यूब वीडियो को। आज जो मैं आपका यूट्यूब वीडियो लेके आया हूं वो है लर्न पीरियोडिक टेबल इन 3 मिनट्स। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे भी, और टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कभी ना कभी कैसे पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल याद रखने की। बट ये जो यूट्यूब वीडियो है, ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो है, ये किस मायने में डिफरेंट है? पहली बात तो इसमें न्यू एलिमेंट्स हैं, है ना, जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो इसके अंदर हैं। और दूसरी बात, केवल 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स में आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल मैं याद करवाने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई एम वेरी श्योर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल दिमाग में छप जाएगी। जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि क्लास में एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाता है मुझसे, ठीक है। तो इस YouTube वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल को याद करवाने वाला हूं, 100% याद करवाने वाला हूं, ठीक है। मैंने इस पूरे वीडियो में एक फुटर लगा दिया है मेरे इसका टेलीग्राम चैनल का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे फ्री कंटेंट मिलने वाले हैं, मजा आने वाला है, सही ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स से पीरियोडिक टेबल की। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, टॉप से बॉटम का है ये, लेफ्ट से राइट का नहीं है। पीरियोडिक टेबल आपको टॉप से बॉटम ही याद होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो ये पीरियोडिक टेबल आपके लिए काम की है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, अल्कली मेटल। सबसे पहले अल्कली मेटल का मतलब होता है फर्स्ट ग्रुप का, जो पहला ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। उसको याद रखने की ट्रिक बड़ी सिंपल सी है मेरे पास, जो यूनिवर्सल ट्रिक है, टीचर्स ने भी आपको बताई होगी, है लीना की रब से फरियाद, है ना, रब से फरियाद, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्या लॉजिक है, लीना कौन है, रब से कौन है, और मैंने कहा कोई नहीं है भाई, लीना कोई नहीं है, रब से फरियाद, ये सब यूं ही है ना। बस याद रखने का तरीका है जो पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में सेट कर देगा, ठीक है। तो है लीना की रब से फरियाद, ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है, जैसे है का मतलब हाइड्रोजन हो गया, ली मतलब लिथियम हो गया, ना मतलब सोडियम हो गया, की मतलब पोटेशियम हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है लीना की रब से फरियाद। अगर मैं आपको बोलूं कि है लीना की रब से फरियाद लिख के बताओ, तो आई एम वेरी श्योर 3 से 4 सेकंड में आप पूरा लिख दोगे है लीना की रब से फरियाद। अब आप खुद सोचो, 18 ग्रुप्स हैं, अगर आपने एक ग्रुप को 5 सेकंड में लिख दिया तो 18 ग्रुप को आप 3 मिनट से कम टाइम में लिख सकते हो। एफ ब्लॉक को भी मिला दूं तो भी आप 3 मिनट से कम टाइम में लिख सकते हो, मैं तो फिर भी 3 मिनट्स बोल रहा हूं। तो आई एम वेरी श्योर पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल बी 100% श्योर, आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि पीरियोडिक टेबल आप 3 मिनट में क्या उससे भी कम टाइम में लिख दो। और जो जो 3 मिनट या उससे कम टाइम में लिखेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर हमने लिख दिया,
है ना। चलिए अगला, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। क्या बोला, बॉयज जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, है ना। बेटा यानी कि बेरिलियम, उसके बाद मांगे यानी कि एमजी, उसके बाद कन्या सुंदर यानी कि सीएसआर, और बाप राजी यानी कि बीए और आरए। कन्या सुंदर बाप राजी, है ना। तो इसकी ट्रिक हो गई किसकी, सेकंड ग्रुप की, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप, 13th ग्रुप की बात करता हूँ। पहले मैं एस और पी ब्लॉक आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको मालूम होगा एस ब्लॉक का मतलब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। साथ साथ बोलता रहता हूँ, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद हो गया, है ना। चलिए अगला, अगला क्या है, 13th ग्रुप है यानी कि बोरॉन फैमिली है, ठीक है। बोरॉन फैमिली में क्या आता है, आप जानते होंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। इस वीडियो की यही तो खास बात है कि नए नए एलिमेंट को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। जनरली टीचर्स इसके बारे में नहीं बताते, बट नीट 2020 में क्वेश्चन आ गया न्यू एलिमेंट्स पे, तो एक बार अगर नीट 2020 में आ गया तो ऐसा नहीं कि जेई में नहीं आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ रहा है, नए एलिमेंट भी इसके अंदर हैं, ठीक है। चलिए तो मैं बोल रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, थाली आप जानते हैं, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली नहीं है। नियोनियम को भी इंक्लूड करते हुए मैंने लास्ट में बोल दिया नहीं है। देखो आपको ये तो याद ही होता है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ये तो आपको जनरली टीचर्स बताते ही हैं, बस उसके आगे एक लाइन और जोड़ दो, नहीं है, नए एलिमेंट भी आ गए। यही मैं कह रहा हूं कि ऐसे कोई नई ट्रिक नहीं बता रहा मैं आपको, उसी ट्रिक के अंदर एक एक दो दो लाइंस और जुड़वा रहा हूं, तो आपको नए एलिमेंट्स भी याद हो रहे हैं। आई एम वेरी श्योर आपको नए एलिमेंट्स भी याद हो रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत सा फ्री कंटेंट मिलने वाला है। चलिए आगे आते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली बड़ी सिंपल सी है ना, 14th ग्रुप होता है ना। और उसमें क्या आता है कि कार्बन आता है सबसे पहले, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और लास्ट में फ्लेवोरियम। क्या बोला, फ्लेवोरियम, नया एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है, इसको भी अपने को याद रखना है। कोई भरोसा नहीं है नीट वालों का, कोई भरोसा नहीं है जेई वालों का, ये दे सकते हैं नए एलिमेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखने की ट्रिक है, कॉलेज स्टूडेंट जनरली हैव सम प्रॉब्लम इन फाइनल ईयर। ये सुनते ही कोई बच्चे इमोशनल हो गए, फाइनल ईयर में जाके ऐसा क्या होता है। और मैंने कहा भाई जो भी होता है वो हो जाएगा, अभी तो पढ़ ले, है ना। कॉलेज स्टूडेंट सी एस आई जनरली मतलब जीई हैव सम प्रॉब्लम एस एन प्रॉब्लम यानी कि पीबी इन फाइनल ईयर यानी कि एफ एल। अब आपको पक्का याद हो गया क्या कि कॉलेज स्टूडेंट जनरली हैव सम प्रॉब्लम इन फाइनल ईयर, ठीक है। एक बार फिर से, क्या था सबसे पहले, हेलिना के रब से फरियाद, उसके बाद क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उसके बाद क्या था, बोरन फैमिली में, याद करो बोरन फैमिली में क्या था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या थाली जो भी है, नहीं है, यानी कि एनएच लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद कार्बन फैमिली में क्या है, कॉलेज स्टूडेंट जनरली हैव सम प्रॉब्लम इन फाइनल ईयर। आई एम वेरी श्योर आपको 100% याद हो रही है ये टेक्निक्स, ठीक है। और आपको याद हो जाएगी, 3 मिनट्स अंदर टाइम में आप इसको लिख सकेंगे, 100% लिख सकेंगे, इंक्लूडिंग न्यू एलिमेंट्स, है ना। अगर आप लिख पाए तो अपने पेरेंट्स को बताना कि देखो मैंने पीरियडिटेबल 2 मिनट में लिख दी, मैंने पीरियडिटेबल 3 मिनट में लिख दी। और जब आप लिख पाओ ना तो मेरे लिए थैंक यू जरूर बोल देना। चलिए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए तो नाइट्रोजन फैमिली और निकोजेंस होता है, ये 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, ये तो आपने सुना होगा। नाइट्रोजन यानी कि नाना पाटेकर आर्सनिक यानी कि असरानी सब बिंदास और लास्ट में लिख दिया मॉस्को में। आपको मालूम है रशिया में एक जगह मॉस्को है ना, तो मॉस्कोवियम नाम का एक एलिमेंट है जो नया एलिमेंट है जो डिस्कवर हुआ है नाइट्रोजन फैमिली में, उसको मैंने इंक्लूड करते हुए मॉस्को में बोल दिया। अब मॉस्को में बोलते ही आपके 100% दिमाग में आ गया कि अच्छा मॉस्को में मतलब मॉस्कोवियम, याद हुआ। ये ब्यूटी है इस ट्रिक की, सही है ना। चलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम, नाना पाटेकर, असरानी सब बिंदास मॉस्को में, याद हो गया, ठीक है। अगला देखो, ऑक्सन फैमिली या चैल्कोजन। ऑक्सन फैमिली या चैल्कोजन में क्या आता है, ओल्ड स्टाइल, बहुत इजी है ये तो आपने सुना होगा, ओल्ड स्टाइल से टिपो। आई एम वेरी श्योर जो बच्चे इस समय लाइव मुझे देख रहे हैं उन्होंने पक्का ये ट्रिक कहीं ना कहीं सुनी होगी, उनके टीचर्स ने उनको बताया होगा कि ओल्ड स्टाइल से टिपो, बस ये तो हो गया। टिपो यानी कि चीटिंग करना, हाँ चीटिंग करना, टिपो ये सब है ना, सुना होगा आपने, की भी होगी, हाँ ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ओल्ड स्टाइल यानी कि ऑक्सन सल्फर से यानी कि सेलेनियम, टिपो यानी कि टेलुरियम पोलोनियम और लास्ट में लावण्या बोल दिया मैंने,
बुरा मत मानना, किसी का नाम लावण्य हो तो, है ना। बट ये याद रखने के लिए मैंने एक जस्ट छोटी सी बात बोली है क्या, कि ओल्ड स्टाइल से टीपो लावण्य, मतलब LV, और LV का फुल फॉर्म होता है लीवर मोरियम। क्या बोला? लीवर मोरियम, ठीक है। फुल फॉर्म भले ही आप याद मत भी रखो, फिर भी शॉर्ट फॉर्म भी अगर आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो फुल फॉर्म आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरे वीडियो को इस समय, ठीक है। तो लीवर मोरियम को मैंने शॉर्ट में LV लिख दिया, और LV की ट्रिक मैंने बना दी कि भाई ओल्ड स्टाइल से डीपो लावण्य, ठीक है। कितना इजी, एक बार बोरॉन फैमिली से शुरू से बोलते हैं, ठीक है। बताओ भाई, बोरॉन फैमिली में स्टार्टिंग में क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली नहीं है, NH, है ना। उसके बाद कार्बन फैमिली में क्या आता है? कॉलेज स्टूडेंट जनरली हैव सम प्रॉब्लम इन फाइनल ईयर, हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में क्या आता है? नाना, पटेकर, असरानी सब बिंदास मॉस्को में। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में क्या आता है? ओल्ड स्टाइल से टीपो लावण्य, यानी कि LV। उसके जस्ट बाद में हैलोजन फैमिली में क्या आता है? फिर कल बाहर आई, इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आंटी सही है, फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने आत्मा लिखा है, आप आंटी भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो आंटी में भी तो आत्मा होती है तो मैंने बोला कि फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे, ओ भाई ये क्या ट्रिक है है ट्रिक तो ट्रिक है, अब क्या है ना, फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे। अब इसको आप आंटी बोलोगे तो ट्रिक अजीब हो जाएगी, फिर कल बाहर आई आंटी तुमसे, ये क्या है, नहीं, इसलिए आत्मा बोलना ज्यादा बेटर है क्या, कि फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे। व्हाट इज तुमसे? तुमसे का मतलब TS, TS का फुल फॉर्म होता है टैनिसिन फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो भी इसका लॉजिक होता है, अपने को मतलब नहीं है उस लॉजिक से, ठीक है। अपने को केवल इतना पता होना चाहिए भाई, पीरियोडिक टेबल का नया एलिमेंट है हैलोजन फैमिली का TS, और TS का फुल फॉर्म होता है टेनिसिन, और ट्रिक याद रखने की मैंने आपको बताई दी, फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे, है ना, याद हो गया, फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे, हाँ, ठीक है। उसके बाद इनर्ट गैसेस तो बहुत इजी है क्या, हीना, नीना और करीना। क्या बोला? हीलियम यानी कि हीना, नियोन यानी कि नीना और करीना, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। जेनोन यानी कि जीनत रानी ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन ट्रिक्स का कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करवाती है आपको ये पीरियोडिक टेबल क्या, हीना, नीना और करीना जीनत रानी ओगी के साथ आई एम वेरी श्योर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना। अरे एंजॉय होना चाहिए पढ़ाई में भाई, एकदम से बोरिंग स्टडी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ हीना नीना, क्या बोला? हीना नीना और करीना जीनत रानी किसके साथ? ओगी के साथ। अब देखो, ओगी से निकला ओजी, ओजी का फुल फॉर्म होता है ऑगेनिसोन। क्या बोला? ऑगेनिसोन। तो इसका फुल फॉर्म ऑगेनिसोन होता है, फुल फॉर्म एक बार पढ़ लेना, बस रटना मत, ठीक है। ओजी दिमाग में आ गया ना, मतलब ओगी तो ये आपको सबको पता ही है ओगी कौन है ना। तो हीना नीना और करीना जीनत रानी ओगी के साथ, याद हो गया। अब देखो पी ब्लॉक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या था? सबसे पहले बोरॉन फैमिली थी, बोरॉन फैमिली में क्या था? बोरॉन फैमिली में था बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद कार्बन फैमिली में क्या था? कार्बन फैमिली में था कॉलेज स्टूडेंट जनरली हैव सम प्रॉब्लम इन फाइनल ईयर, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में क्या था? नाना, पाटेकर, असरानी सब बिंदास, कहां? मॉस्को में। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में क्या था? ओल्ड स्टाइल से टीपो लावण्य LV, ठीक है। उसके बाद हैलोजन में क्या था? फिर कल बाहर आई आत्मा तुमसे, हाँ, ठीक है। इनर्ट गैसेस में क्या था? हीना नीना और करीना जीनत रानी ओगी के साथ, ओ जी लास्ट में ऑर्गेनिसोन, ठीक है। तो इसी के साथ इनर्ट गैसेस खत्म हो गया, मतलब एस और पी ब्लॉक अपन ने खत्म कर लिया, सुन रहे हो बच्चों, एस और पी ब्लॉक अपन ने खत्म कर दिया। अब आता है डी ब्लॉक, ये रहा डी ब्लॉक आपके सामने। सबसे पहले डी ब्लॉक की स्टार्टिंग आपको पता है किससे होती है? स्कैंडियम से। आई एम वेरी श्योर आप सबको पता है कि डी ब्लॉक की स्टार्टिंग किससे होती है? स्कैंडियम से होती है। तो मैंने उसको बोल दिया कि सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ये तो आपको अपने टीचर्स ने भी बताई होगी, SC यानी कि सेकेंड, ये Y यानी कि ईयर, लाएंगे AC, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, सेकेंड ईयर, कितना ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड लगेंगे ये सब लिखने में, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं, पीरियोडिक टेबल 3 मिनट क्या, उससे भी कम टाइम में आप लिख लेंगे। आई एम वेरी श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूं मेरे ऊपर, मैं कॉन्फिडेंट हूं आपके ऊपर। आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, मतलब आप सीरियस हैं,
आप अपने गोल के प्रति सीरियस है तभी तो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, है ना। तो आई एम वेरी श्योर वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो दिमाग में छप जाएगी पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा ना कि आपको याद हो जाएगी पीरियोडिक टेबल, पक्का याद हो जाएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये इसकी ट्रिक होगी। एसी का मतलब एक्टिनियम आप जानते हैं ना, एलए का मतलब लेंथरम, लेंथराइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज इसके बाद आती है ना। तो उसके बाद टीना, टी आई मतलब टीना, जरीना मतलब जडार, मैं फिर कह रहा हूं देवियों अगर आपका नाम टीना और जरीना हो तो बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा हूं, है ना, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं, है ना। चलिए टीना जरीना हाफ माइंडेड, मतलब डिस्क्लेमर बोलना जरूरी है बीच में, है ना, नहीं तो सैंडल पड़ेंगे मेरे को। तो टीना जरीना हाफ माइंडेड रदरफोर्ड के साथ, अरे आरएफ का फुल फॉर्म रदरफोर्डियम होता है। अब देखो मेरी ट्रिक भी ऐसी है ना जो फुल फॉर्म आपको याद करवा देती है, जैसे मैंने बोला कि नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास मॉस्को में, तो उससे आपको याद हो गया मॉस्कोवियम था, है ना। यहां मैंने बोल दिया रदरफोर्ड के साथ, उससे आपको याद हो गया रदरफोर्डियम है, यानी कि आरएफ है, ठीक है। तो टीना जरीना हाफ माइंडेड रदरफोर्ड के साथ, टी आई जेड आर एच एफ और आरएफ, याद हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में देखो वेनेडियम, यानी कि वी एन बी टी ए और लास्ट में डीबी। अब ये थोड़े अजीब है, ध्यान से सुन लेना, क्या वो नवाब थे कहां के, दुबई के। अब देखो दुबई से याद होगा ड्यूबनियम, ड्यूबनियम की पहले की तीन लेटर्स डी यू बी है और दुबई के पहले तीन लेटर्स भी डी यू बी है। देखो कितनी सही ट्रिक्स लाए हूं मैं आपके लिए, और मुझे पता है कि ये सारे सारे ट्रिक्स वायरल होने वाली है ये वीडियो वायरल होने वाला है, और इस वीडियो में खूब सारे कमेंट, खूब सारे लाइक एंड खूब सारे शेयर्स मुझे मिलने वाला है। आई एम 100% श्योर, ठीक है। चलिए तो इसका ट्रिक क्या है, वो नवाब थे दुबई के, दुबई मतलब डीबी यानी कि ड्यूबनियम, याद हो गया। उसके बाद लास्ट में सी आर एम ओ डब्ल्यू, है ना, तो करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला, ये तो आपको अपने टीचर्स ने बताई होगी, पर इस वीडियो की खास बात क्या है, इसमें नए एलिमेंट भी हैं और नए एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको याद हो जाते हैं, क्या करोड़ मोल वाला सजना यस करोड़ मोल वाला सजना मतलब सी बोर्गियम, एस जी, है ना, सी बोर्गियम को एस जी बोल दिया, और इसका जो फुल फॉर्म एस जी का है वो सी बोर्गियम है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, करोड़ यानी कि सी आर, क्रोमियम उसके बाद मोलिब्डनम यानी कि मोल, उसके बाद वाला यानी कि टंगस्टन, आपको पता है डब्ल्यू को टंगस्टन बोलते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है सारे मेटल्स में, अरे वो बल्ब का फिलामेंट पड़ा हुआ होगा, हाँ ठीक है, मुझे पता है इस समय बच्चे यस सर कर रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास में बैठ के, बिल्कुल जिस जिसको ऐसी फीलिंग आ रही है वो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं करोड़ मोल वाला सजना यानी कि एसजी, ठीक है। उसके जस्ट बाद में मैग्नीज वाला आता है, एमएन के नीचे आता है टीसी, उसके नीचे आरई आता है और एक नया एलिमेंट है बीएच है, ठीक है। इसको मैंने बोला मन से, क्या बोला, मन से ताक रहे, कोई कह रहा सर ताक रहे मतलब, मैंने कहा बेटा एक तो होता है देखना किसी को, है ना, और एक होता है इंटरेस्ट के साथ देखना, समझ रहे होंगे बॉयज, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मेनली, है ना, वैसे गर्ल्स भी समझ गई पर मेनली बॉयज समझ गए, क्या किसी को इंटरेस्ट के साथ देखना, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज में बोलता है काट टुकुर टुकुर ताक रहे हैं हमका काट टुकुर टुकुर ताक रहे हैं हमका ज्यादा मत ताकिए, हाँ छोड़ो। तो मैं बोल रहा था कि मन से ताक रहे मतलब कोई किसी को इंटरेस्ट के साथ देख रहा है और मन से देख रहा है, तो मैंने बोल दिया मन से ताक रहे, अब वो मन से उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, और सामने वाले की आवाज आई भैया, तो लास्ट में लिख दिया भैया, तो मन से ताक रहे, वो तो बेचारा उसको मन से ताक रहा था, देख रहा था, ठीक है, और सामने से आवाज आई भैया, तो इसलिए ये ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो चुकी है, इनफैक्ट दिल में सेट हो चुकी है, क्या मन से ताक रहे भैया, है ना, भैया मींस बोरियम, है ना, बोरियम यानी कि शॉर्ट फॉर्म बीएच हो गया, नया एलिमेंट है, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन चीजों को, है ना, तो बोरियम यानी कि बीएच हो गया, और इसको मैंने बोल दिया मन से ताक रहे भैया, याद हो गया। चलिए अब आता है एफई यानी कि फिर रूठा ओसामा, एफई यानी कि फिर रूठा ओसामा, फिर डिस्क्लेमर बार बार बोल रहा हूं, क्या इनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट ट्रिक्स है पीरियोडिक टेबल को याद रखने की, है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला फिर रूठा ओसामा हंस के, हंस के मतलब हैसनियम,
हैसियम मतलब एच एस एक नया एलिमेंट है जिसको बोलते हैं हैसियम, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर अपन रिवाइज करें तो सेकंड ईयर लाएंगे एसी, पहला हो गया, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ है ना, सेकंड ईयर लाएंगे एसी टीना जरीना हाफ माइंडेड रदरफोर्ड के साथ। टीना और जरीना माफ कर दो मुझे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, टी आई जेड आर एच एफ और लास्ट में आर एफ, यानी कि टीना जरीना हाफ माइंडेड रदरफोर्ड के साथ। उसके बाद वे नवाब थे या वो नवाब थे दुबई के, उसके बाद करोड़ मोल वाला सजना, उसके बाद मन से ताक रहे भैया, ये तो आपको पक्का याद हो गई है ना, उसके बाद फिर उठा ओसामा हंस के, और उसके बाद कुछ नए एलिमेंट और आते हैं कोबाल्ट वाली फैमिली में, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम एंड मीट नीरियम है ना। अब ये मीटनीरियम जो होता है ये एम टी होता है शॉर्ट फॉर्म इसका है ना, और ये कोबाल्ट फैमिली में नया एलिमेंट है जो डिस्कवर हुआ है, ठीक है। कौन रहेगा, क्या बोला, कौन रहेगा इरेगुलर, जैसा मैंने क्लास में पूछा कौन रहेगा इरेगुलर, एक बच्चे ने हैंड रेस कर दिया, मैं रहूंगा इरेगुलर, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मत रह इरेगुलर, तो मैंने बोला कौन रहेगा इरेगुलर, मत रह, इरेगुलर नहीं रहना चाहिए क्लासेस में, हाँ ठीक है, तो मैंने बोला कौन रहेगा इरेगुलर मत रहे, है ना। चलिए ये हो गया कोबाल्ट वाली फैमिली, अब आता है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, यानी कि NIPDPT। जैसे ही मैंने बोला नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कई बच्चे सीरियस हो गए, सर आपको कैसे पता कि हम नहीं पढ़ते, अरे मैंने कहा मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ, NIPDPT यानी कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और लास्ट में डॉक्टर साहब यानी कि DS है ना, डर्मेस्टियम, ठीक है, इसका नाम बड़ा अजीब है ना, आप गूगल करके देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन, जो मेरे को आता है मैं बता रहा हूँ है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डर्मेस्टियम जो भी है अब है, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और शॉर्ट फॉर्म DS होता है, शॉर्ट फॉर्म दिमाग में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि काम के नहीं, अरे काम के हैं, नीट 2020 में यही आया था, ये वाला नीट 2020 में आया था, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है ना, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये निकल वाली फैमिली में आता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 110 होता है, 110 नंबर एटॉमिक नंबर होता है इसका, है ना, सुन रहे हो, तो ऐसा मत समझना कि ये JEE में नहीं आ सकता, ये नीट में नहीं आ सकता, आ सकता है, एक बार आ गया तो अब हो सकता है दोबारा आ जाए, क्योंकि पेपर्स रिपीट होते हैं आपको पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे डॉक्टर साहब, तो NIPDPT और लास्ट में DS आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे डी ब्लॉक बस खत्म होने वाला है, कॉपर वाली फैमिली आ गई, CU AG AU और लास्ट में RG है ना, कॉपर को मैंने बोला क्यों आगे आऊं, क्या बोला, क्यों आगे आऊं आऊं कौन बोलता था, शक्ति कपूर, यस 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 है ना, तो हाँ आपने वैसे ही गेस किया है ना, क्या बात है, आपको भी आता है मेरे को भी आता है, हम दोनों एक जैसे है ना, तो मैं बोल रहा हूं क्यों आगे आऊं क्यों आगे आऊं, मुझे पता जो इस समय लाइव है वो खुद बोल रहे हैं आऊं, अरे मत बोल आऊं यार, एक बार एक काम करना, शीशे के सामने जाना और बोलना आऊ और अपनी शक्ल देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कैसी शक्ल हुई मासी आई कि नहीं आई अपने ऊपर, चलिए खुश रहो बेटा, खुश रहो, मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है, आप हमेशा खुश रहो, आप खुश रहोगे ना तो आधे जो आपकी पढ़ाई का लोड और जो भी आपको डीमोरलाइजेशन या फिर आपको कोई भी चीज दिमाग में आती है, आप डिप्रेशन डीमोरलाइजेशन ये सारी चीजें हट जाएगी, खुश रहो बेटा, खुश रहना इज द फर्स्ट की टू सक्सेस, ठीक है, आप अगर खुश रहोगे ना तो आपके वो सारे नेगेटिविटी दिमाग से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, चलिए है ना, तो मुझे कोई आऊं आऊं बोलने में मजा नहीं आ रहा, बट मैं इसलिए ये चीजें बोल रहा हूँ ताकि जो बच्चे इस समय डिप्रेस्ड हैं कि यार 2 महीने रह गए क्या करूं, यार 1 महीना रह गया JEE के लिए मैं क्या करूंगा, यार प्रॉब्लम हो जाएगी मैं क्या करूंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी लाइफ की, ये स्टेज बहुत प्रॉब्लम है, बहुत क्रूशियल है, ये सारी बातें छोड़ो बेटा, आप बच्चे बन के रहो, आप बड़े मत बनो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार ये आऊं आऊं ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप खुश हो जाओ, ठीक है, इस वीडियो को देख के एकदम खुश हो जाओ, ठीक है, चलिए तो क्या बोला, क्यों आगे आऊं रेगुलरली, अब देखो रेगुलरली की स्पेलिंग गलत कर दी ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों आगे आऊं रेगुलरली, जैसे कोई कहता है मैं ही क्यों आगे आऊं हमेशा जैसे किसी भी क्लास में मैंने किसी एक बच्चे को बार बार आगे बुला लिया, मैं तू आ गया तू आ गया तू आ गया, तो वो क्या बोलेगा, क्यों आ गया हूँ रेगुलरली, तो हो गया CU AG AU और RG, यानी कि क्यों आ गया हूँ रेगुलरली, ठीक है, RG जो होता है वो रॉन्टिनियम होता है, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह आप YouTube पे देख सकते हैं या फिर आप गूगल करके देख सकते हैं, RG इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है रॉन्टिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लास्ट जो आता है वो आता है ZNCDHG है ना, आपको पता होगा डी ब्लॉक में लास्ट में जिंक वाली फैमिली आती है, और जिंक वाली फैमिली में कौन आता है, जिंक वाली फैमिली में आता है
कैडमियम मरकरी है ना, और एक नया एलिमेंट है सीएन, ठीक है। तो मैंने बोला जान कनाडा में होगी, जेड एन सी डी एच जी है ना, जान कनाडा में होगी। कोई कह रहा है सर जान मतलब, मैंने कहा जिंक है ना, याद रखने की ट्रिक है, जान कनाडा में होगी। एक साल मैं एलन में पढ़ा रहा था, मैंने ये लाइन बोली, मैंने कहा देख इसकी ट्रिक है, जान कनाडा में होगी। पीछे से एक लड़के की आवाज आई, मेरी तो कोटा में ही है। अरे मैंने कहा भाई तेरी तो कोटा में है, पर मैं तेरी जान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक ट्रिक बोल रहा हूँ। क्या जान, अरे अभी तक हंस रहे हो आप, इतनी कोई हंसे की बात भी नहीं थी। हाँ जान कनाडा में होगी, और कनाडा में कहाँ होगी पता है, सिनेमा में। देखो इस मतलब मैं वही कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रिक बता रहा हूं। जो ट्रिक आपको पता है ना, उसी में मैं एक एक लाइन और जोड़ रहा हूँ। आपको ये शायद पता होगा कि जान कनाडा में होगी, और लास्ट में मैंने बोल दिया सिनेमा में, तो आपको नया एलिमेंट याद हो गया है ना। आपको ये याद होगा कि नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, अभी आया था नटरतन फैमिली है ना, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, और लास्ट मैंने बोल दिया मॉस्को में, सिनेमा में वे नवाब थे दुबई के। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये आपको पीरियडिक टेबल याद करवा देगी, 100% याद करा देगी। दिस कंप्लीट्स डी ब्लॉक। अब आते हैं एफ ब्लॉक पे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एफ ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले ये देखो मैंने क्या बनाया आपके लिए, नीट 2020 का क्वेश्चन है भैया, अब तो याद करना पड़ेगा। समझ आया क्या बोला, अब तो याद करना पड़ेगा। अनिल अन्यम यानी कि 101, अनिल ट्राइयम यानी कि 103, अनिल हेक्सियम यानी कि 106, और अन्यम यानी कि 111। ये बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट मैच है, कौन सा गलत मैच है। जब ये क्वेश्चन नीट में आया था तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर लास्ट में जब मैंने डिस्कशन कराया तो बच्चों के दिमाग में आया सर नए एलिमेंट भी याद करने पड़ेंगे, और मैं तब से बोल रहा हूँ यूट्यूब का वीडियो लाऊंगा। आज यूट्यूब का वीडियो आ गया, ठीक है, नए एलिमेंट भी याद करने पड़ेंगे। मैं आपको याद करवा रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो डीएस होता है ये वाला है ना, ये वाला जो पार्ट होता है डीएस यानी कि डर्मेस्टियम, ठीक है, इसका जो फुल इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 110 होता है, 110 होता है, जबकि इस क्वेश्चन में इसका 111 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। तो यही आंसर है, ये वाला इनकरेक्ट है, तो आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। बाकी आप चेक कर लो, ये सारे सारे सही है ना, बाकी आप चेक कर लीजिए पीरियडिक टेबल में, ये सारे सी बोरगियम भी आया था आज की क्लास में, अगर आपको पता हो तो है ना, सी बोरगियम भी आज की क्लास में आया था है ना, नहीं आया था तो अब आने वाला है, हाँ सी बोरगियम अब आने वाला है, और कौन से ब्लॉक में ये वाला पार्ट आने वाला है, ये सी बोरगियम वाला पार्ट जो है ये है डी ब्लॉक में, और जो पहले अपन ने पढ़ा था, देखो सी बोरगियम कहाँ था, सी बोरगियम कहाँ था, ये रहा सजना को मैं कैसे भूल सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो सी बोरगियम आने वाला नहीं है, आ चुका है, ठीक है, तो सी बोरगियम यानी कि एसजी ये भी आ चुका है। अब सबके एटॉमिक नंबर्स देख लो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आंसर आ गया कौन सा, आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए ये इनकरेक्ट है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से कि बेटा छोड़ना मत, पढ़ लेना YouTube वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर करना। बस अब लास्ट है YouTube वीडियो का, फिर खत्म। लेंथ राइट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप के होते हैं, ठीक है। इसके ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, सीई यानी कि सीने पर, अब देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा वाह 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 वाह, अरे मैंने कहा वाह वाह मत बोल, ट्रिक बता रहा हूँ, शायरी नहीं बता रहा क्या। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, गदगद मींस गार्डन गार्डन, अंदर से दिल बाग बाग होना है ना, यूं गदगद तब दिल हुआ, क्या बोला, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, क्या बोला, अरे तुम यबलू, एक बार शुरू से, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। आप इसको ऐसे दिमाग में रखो जैसे कोई लड़का है, छोटा सा कोई मतलब टीनेज का कोई बॉय है, ठीक है, वो हाथ में गुलाब का फूल लेके गया और उसको शर्म आ रही है बहुत कि ये गुलाब का फूल मैं कैसे दूंगा कैसे दूंगा, तो नजरें नीचे करके ऐसे बोल रहा है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसका बड़ा भाई खड़ा था सामने, उसका नाम था यबलू, तो वो नीचे देखता देखता कह रहा था सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, हाथ में गुलाब का फूल है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तो दिल हुआ, जैसे ही ऊपर देखा अरे तुम यबलू। ये इस ट्रिक का मतलब है, समझ आ गया, हाँ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू, मैं तो सोच रहा था ये वो है पर ये तो कोई और ही निकला।
ये बात है, ठीक है। चलिए, बार बार कह रहा हूं, ये ट्रिक्स है, इससे आपको पीरियड टेबल पूरी याद हो जाएगी। नीचे जो बार बार ये जो बार बार लिखा हुआ है, ये फुटर है ना, ये फुटर का मतलब जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, टेंशन मत लेना, मैं जूते की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना सब लोग, ठीक है। लास्ट एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एक्टिनॉइड्स की ट्रिक तो और भी खतरनाक है, और भी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है। मैंने बोला टांगे पर उनकी नजर पड़ी, क्या बोला? कोई कह रहा सर मजा आ गया, पढ़ाते रहो। अरे मैंने कहा छोड़ना, पढ़ाते रहो, लास्ट है ये है। टांगे पर उनकी नजर पड़ी, नजर पड़ने के बाद क्या हुआ? पूरा आसमान सिमटा, बिजली चमकी। ओ भाई, टांगे पर उनकी नजर पड़ी, पूरा आसमान सिमटा। नजर पड़ने के बाद एकदम लगता है ना कि लाइफ तो सेट है, केवल वही दिखती है और कोई नहीं दिखता। बॉयज से बात कर रहा हूँ मैं इस समय, वही दिखती है बोल के, है ना? तो समझ गए होंगे। हाँ, मैं बोल रहा था टांगे पर उनकी नजर पड़ी, पूरा आसमान सिमटा, बिजली चमकी। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ? एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। ओ भाई, हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई बेचारे की। क्या बोला? जैसे नजर पड़ी तो क्या हुआ? टांगे पर उनकी नजर पड़ी। यस, पूरा आसमान सिमटा, बिजली चमकी। कुछ सालों बाद क्या हुआ? एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। अरे बहनों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे माफ कर देना, डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, है ना? तो चलिए, तो एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की, आई एम वेरी श्योर आपको ये याद हो चुका है। टांगे पर उनकी नजर पड़ी, पूरा आसमान सिमटा, बिजली चमकी। इसको चिमटा बोलते हैं, चिमटा मत बोलना, चिमटा तो वो होता है रोटी वाला, सिमटा, पूरा आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की, याद हो गया, ठीक है। चलिए, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेबल का पार्ट, है ना, टॉप से बॉटम का और लेंथ राउंड एक्टिनॉइड सीरीज। उसके बाद अगर आपको पीरियोडिक टेबल 100% लर्न करनी है, तो मैं आपके लिए एक वर्कबुक बना के लाया हूँ, जो मैं ये टेलीग्राम चैनल जो है ना, ये वाला टेलीग्राम चैनल, इस पर भी मैं डाल दूंगा ये वर्कबुक, है ना, आप उससे डाउनलोड कर लेना। क्या होता है वर्कबुक का मतलब? वर्कबुक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें कि अपन बार बार पेंसिल से भरें और उसको मिटा मिटा के दोबारा भरें, है ना। जैसे कि आपने सपोज पेंसिल ली, है ना, मैं सपोज करता हूँ कि ये येलो कलर वाली पेंसिल है, ठीक है। तो मैं लिखना स्टार्ट किया, हेलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अरे बस, मैं स्टॉप वॉच ऑन किया 3 मिनट्स का और ये लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, है ना, एंड सो ऑन। यूं करते 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 करते, जैसे कि यहाँ था, क्या था ये, जान कनाडा में होगी और सिनेमा में, सही ना। तो ये यूं करते 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 आपको पूरी पीरियोडिक टेबल, जैसे कि यहां तक आपने लिख दिया कि हीलियम नियॉन, यानी कि हीना नीना और करीना, याद आया, जीनत रानी ऑगी के साथ, एंड सो। तो आपने पूरी पीरियोडिक टेबल को यहां पे पेंसिल से बार बार लिख दिया, स्टॉप वॉच ऑन की, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, क्या स्टॉप वॉच ऑन की, इसका प्रिंटआउट निकाला, इसके अंदर आपने पेंसिल से भरना स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच जैसे ही 3 मिनट हुआ उससे पहले आपने इसको पूरा पूरा भर दिया, ठीक है। यही मैं चाहता हूं, आई एम वेरी श्योर ये सारे के सारे ट्रिक्स अगर आपके दिमाग में हैं, तो आप 3 मिनट छोड़ो, आप 1.5 से 2 मिनट में ही पीरियोडिक टेबल लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यू एलिमेंट्स। सो लास्ट में फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार इसमें वीडियोज आते रहेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, SS केमिस्ट्री यूनिवर्स इस चैनल का नाम है और मेरा नाम है सौरभ शर्मा, SS सर, आपका SS सर, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और इंटरेस्टिंग वे में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए हमेशा मैं वेट करता रहता हूँ आपके। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।